में निरंजन जी आ रही है मुख्यमंत्री के जी के सलाहकार से जाके मिले और उनसे मिलकर हमने हमारी जो भी समस्याएं थी उनके बारे में हमने बताया। हमारा धरना 30 तारीख को रात में 11:30 बजे उठा दिया था और तानाशाही के साथ में हमारे साथ बहुत बदतमीजी भी करी पुलिस वालों ने और हमें उठा के थाने में ले गए थे, उसके बारे में भी हमने बताया और अभी तक हम इधर उधर भटक रहे हैं, मंदिरों में सो रहे हैं, ये सब चीज़ें भी उनको बताई। तो दिन हो चुके अभी आपके धरने को चलते हुए? आज 115 दिन हो गए धरने को चल, 106 दिन सो रहे। तो आज आपने जो वार्ता की है, आपने कोई ज्ञापन सौंपा है अधिकारियों को, उन्होंने क्या रिप्लाई दिया आपको? उन्होंने बस यही बोला है, आश्वस्त किया है जैसे पहले करते थे वैसे आश्वस्त किया है कि आपका काम चल रहा है, कर रहे हैं हम और जल्दी ही आपका काम हो जाए, मुख्यमंत्री जी 4-5 दिन में हम मुलाकात करवाते हैं। तो आप लोग अभी तक घर नहीं गए? नहीं, हम घर तो हमारी नौकरी लेके ही जाएंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, कितना भी संघर्ष करना पड़े, लड़ना पड़े, कोई से भी मुकदमे लगे हमारे ऊपर, कुछ भी हो, हम घर नहीं जाएंगे जहाँ तक हमें हमारी नौकरी नहीं मिल जाती, हमारा मान सम्मान नहीं मिल जाता तब तक। आप 116 दिन से जयपुर में? 106। हाँ, 106 दिन से जयपुर में हैं। और आपका नाम और जिला बता दीजिए मुझे। मेरा नाम पूजा बावरिया है और मैं बूंदी डिस्ट्रिक्ट से हूँ।